करो जिसने जो करना है। वैसे भी जे घर में मारी कौन सुने हैं, सब अपनी मनमानी करे हैं। क्या हुआ दीदी, किस बात पे नाराज है आप? कुछ ना दीदी, मैं कल से देख रहा हूँ सब लोग चुप चुप है, कोई बात हुई है क्या? बाबूजी आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ मुन्ना, लेकिन बाकी सबकी तबीयत शायद खराब है। सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? और तू मुन्ना, तू और बहू भी बिल्कुल चुप हो, क्या बात है? लक्ष, हम सब लोग यहाँ पर है ना, तो दादाजी अकेले होंगे, कुछ देर के लिए ना आप जाके उनके पास बैठ जाओ। ओके। कावेरी, मुन्ना ने दफ्तर जाना होगा, तू और बहू नाश्ता बना लो, तब तक वो तैयार हो जाएगा। राजबन्ना के पास मैं हूँ। भाई साहब, हमें बात करनी थी राजबन्ना से। बहुत जरूरी है भाई साहब, छोटी दुल्हन भी यही चाहती थी और अब हमारी भी यही राय है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, मुझे भी तो कुछ बताइए। आज मुझे छोटी दुल्हन की चिट्ठी मिली राजबन्ना, वो अपने ममेरे भाई के शादी में गई थी ना, तब लिखी थी। उसे तेरी बहुत चिंता रहती थी और तुम भी तो कैसे, हर बात के लिए तुम्हें उसकी जरूरत पड़ती थी, कपड़े, चश्मा, घड़ी, कुछ भी तो नहीं मिलता तुम्हें खुद से। हाँ तो दोबारा शादी कर ले राजबन्ना, राजबन्ना। बाऊजी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बाऊजी आप क्या कर रहे हैं? बाऊजी प्लीज एक बार हमारी बात। कुछ नहीं सुनना मुझे, बिना कहे सब सुन लिया, समझ लिया मैंने। आप लोगों पर बोझ बन गया हूं ना मैं। गायत्री जी के जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी कोई उठाना नहीं चाहता है ना? मत उठाओ, नहीं होता ना आप लोगों से मत करो। लेकिन ये बात आप लोगों ने अगर सीधे सीधे कही होती तो मुझे अच्छा लगता। घुमा फिरा कर ये घटिया सी शादी वाली बात क्यों की आपने मुझसे? बहुत दर्द पहुंचाया है आप लोगों ने मुझे। इसलिए मैं जा रहा हूं ये घर छोड़कर। बाऊजी रुक जाइए। बाऊजी प्लीज रुक जाइए, देखिए बाऊजी प्लीज सुन तो राजबन्ना जी, सारे लोग तो पगला गए हैं। हमारी बात सुन, तू गुस्सा छोड़ दे। बाऊजी आपको माँ की कसम है, प्लीज रुक जाइए, हमारी बात सुन लीजिए। बाबू तुम ये बात जानती थी ना कि मैं गायत्री जी की कसम तोड़ दे ही पाऊंगा, तो फिर तुम ये भी जानती होंगी कि जिस इंसान की कसम मेरे लिए इतनी अहमियत रखती है वो इंसान मेरे लिए क्या है। आप लोगों ने गायत्री जी की जगह किसी और को देने की सोच भी कैसे ली? कैसे सोच लिया आप लोगों ने? मैं ये कसम तोड़ नहीं सकता, लेकिन आइंदा आइंदा ये शादी वाली बात मुझसे कभी मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊं। आप लोग जाइए यहां से,
चाहिए आपसे। अकेला छोड़ दीजिए मुझे, जाइए आप सब। गायत्री जी, एक बार गलती से मेले में मैंने किसी का हाथ थाम लिया था, लेकिन जानबूझकर। कभी नहीं होगा गायत्री जी, कभी। जीवन में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता गायत्री जी, कोई नहीं। ये सच है कि मैं अकेला नहीं रह सकता, लेकिन मैं अकेला हूं कहां गायत्री जी। आपकी यादें हैं ना मेरे साथ, इन यादों के सहारे मैं अपना जीवन काट लूंगा गायत्री जी। अगर आपकी यादों को भी मुझसे कोई छीनना चाहता है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हॉस्टल में एडमिशन नहीं होगा। नहीं होगा मतलब? मतलब फुल हो गया है, आपने लेट अप्लाई किया। पर मुझे लगा कि। देखिए मैडम, हॉस्टल का अलॉटमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है, लोग महीना भर पहले से बुक कर चुके हैं। हेलो। हाँ क्या हुआ, रूम मिल गया? नहीं अंशुमन, सब फुल है, मुझे कैंपस के बाहर ही कुछ देखना पड़ेगा। पर ऐसे कैसे, क्या कर सकते हैं? काश तुम होते हैं मेरे साथ यहाँ पे, तो मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। हो गई तसल्ली थे लोगों ने, कर दिया ना दुखी भा के मन को। मना किया था मन ने, ये आपस में जो बात कर ली सो कर ली, पर मनरू और राजबन्ना के सामने ये बात ना करना। पर थे लोग वो सयाने, एक तो वो बेचारा दुखी है, उसको और दुखी कर दिया थे लोगों ने। और थारे से जे उम्मीद ना थी कावेरी मन ने, कल ही कहा था ना तन्नी मुन्ना से कि जे बखत सोचना भी गलत बात है, तो आज वही बात थारे को सही कैसे लग गई? और इतनी बड़ी बात तन्ने राजबन्ना से कर दी। प्रेम है जो वो राजबन्ना करे है छोटे दुल्हन से, और वहां के सहारे जीवन कट जावे है दूसरा ब्याह करने से ना। और तू तन्ने कैसे जच गई जे बात अपनी माँ की जगह पे दूसरी लाने की? मारा राजबन्ना तो कदी ना सोचे है ऐसी बात। सच में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुन्ना, बहुत दिल दुखाया हमने राजबन्ना को। बेटा तुम तो देख ही रही हो कितना बड़ा घर है, अब हमें तो आदत हो गई है इतने सालों से 1 BHK में रहते रहते। तुम तो बड़े खुले घर से आई हो, तुम्हारा तो दम घुट जाएगा यहाँ पर, ऊपर से बच्चे शोर करेंगे, तुम तो शांति से पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। इतना महंगा कोर्स करने के लिए घर से इतनी दूर आई हो, और तुम्हें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। वैसे बात बड़ी गलत की है तेरे कॉलेज वालों, अरे हॉस्टल देना चाहिए था ना। अब हॉस्टल में रहने का जो मजा है वो रिश्तेदारों के घर में रहने में थोड़ी ना है। वैसे एक तरीका और है। क्या आंटी? पीजी, मेरा मतलब है पेइंग गेस्ट। हाँ उसमें क्या है ना, तुझे घर वाला सारा आराम भी मिलेगा और हॉस्टल की सारी आजादी भी, पढ़ाई में भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ तू एक काम कर, न्यूज़पेपर में देख और अपने कॉलेज में भी पता कर। जी ठीक है, मैं पता करती हूँ। वैसे मैं खुद भी आस पड़ोस में पता लगाती हूँ। क्या हुआ, कुछ बात बनी? आंटी ने सीधे सीधे तो नहीं बोला पर जता दिया कि वो मुझे नहीं रख पाएंगी। कैसे हैं ये लोग? छोड़ो ना, पराए शहर में उन्होंने 2 दिन रख लिया, पहले ही दिन धक्के नहीं खाने पड़े, ये क्या कम बात है। उन्होंने जो किया जितना किया उसके लिए आई एम थैंकफुल, बाकी देखी जाएगी।
पर अब करोगी क्या? आंटी ने पीजी का सजेस्ट किया है। पर जस तुम ऐसे नहीं रह पाओगी। ना अंशुमन, रहना तो मुझे पड़ेगा। घर से इतनी दूर अपने सपनों को पूरा करने आई हूँ तो इतनी आसानी से तो हिम्मत नहीं हारूंगी। ओके, तो बोलो अब क्या करें? पीजी अकोमोडेशन ढूंढेंगे और क्या। ठीक है, दोनों मिलके ढूंढते हैं। मिलके मतलब? मिलके मतलब तुम भी तो पहले इंटरनेट पे ही सर्च करोगी ना। ठीक है, तो फिर आ जाओ ऑनलाइन। ठीक। रुको, आप दादाजी के रूम में जाओ। वहां ना दादाजी की बेड साइड की टेबल पे एक कटोरी में ब्लू कलर की कैप्सूल रखी है, वो दादाजी को खिला दो पानी के साथ। ठंडा या गरम? सादा। ओके। अक्षा, आप खुद क्यों नहीं गई? नहीं नहीं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। जो भी मैंने उस टाइम कहा पाऊजी को, उससे बहुत दुख पहुंचा है। और देखिए ना, मुझे तो सोच सोच के घबराहट हो रही है। अगर उस टाइम पाऊजी नहीं रुकते और चले जाते तो। अक्षरा, आप खुद को दोषी क्यों मान रही? आपका मकसद तो उनकी खुशी थी ना, ताकि उन्हें सुख दुख का साथी मिल जाए। मंजिल सही होते हुए भी नैतिक रास्ता गलत क्यों लग रहा है? अक्षरा, ऐसे ही होता है। मंजिल की कठिनाइयों से घबरा कर अगर हम रुक जाए तो फिर उसे कैसे पा सकेंगे? भगवान जी, प्लीज सही रास्ता दिखाएं। मम्मा, दादाजी ने मेडिसिन्स नहीं खाई। क्यों? पता नहीं। अच्छा ठीक है, आप जाके ना अपने जूते पहनो, जाओ। हम अभी आते हैं। ओके। भाई, हम बाबूजी से मिलते हैं। आप जाइए नैतिक। नहीं अक्षय, हम दोनों जाएंगे। नहीं नैतिक, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी? अक्षरा, कब तक हम एक ही घर में एक दूसरे से मुंह छुपाते फिरेंगे? और जहां तक अजीब लगने की बात है तो भौजी को भी अजीब लग रहा होगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए। चाह तो वो भी रहे होंगे लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे होंगे, इसलिए पहली पहल ना हमें करनी चाहिए। आई चले। जी, वो हम आपसे अभी भी कहने के लिए कुछ रह गया क्या मुन्ना? नहीं बाबूजी, हम तो बस सॉरी बाबूजी, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। हाँ बाबूजी, सॉरी, हमें तो बस आपकी चिंता थी इसीलिए। मेरी चिंता में मुझे ही तकलीफ दे दी मुन्ना, कुछ तो सोचा होता। मैं ऊपर जाके तुम्हारी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? बाबूजी प्लीज, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अगर ऊपर जाकर माँ के सामने किसी को शर्मिंदा होना भी है तो वो मैं हूँ। आप खुद को दोष मत दीजिए, दोष तो हमारा है। अगर आप चाहें तो आप हमें सजा दे सकते हैं। इस बात का तो मुझे पहले से ही अंदाजा था कि भाई साहब को बुरा लगेगा, लेकिन उनकी ये प्रतिक्रिया होगी ये मैंने नहीं सोचा था। पर मां, ये अच्छा है कि नैतिक जी और भाभी मां को पता है। इसमें अच्छा क्या है बेटा? अच्छा होता तो क्या बाईसा नाराज होती? सगी बहन है ना वो, तो उनकी, उनसे ज्यादा और कौन चाहेगा कि उनका भाई खुश रहे। बहुत गलत किया ये अक्षरा ने, और जमाई साहब अक्षरा को समझाने के बजाय उसी का साथ दे रहे। देख लिया ना आप लोगों ने, जिस बात का डर था वही हुआ। भाईसा और सब्दी जी दोनों नाराज हो गए हैं उनसे। अब तुम परेशान मत हो बड़ी बहू, अभी बात ताज़ा है, बस धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ, आपने जो अनाथालय के लिए चेक दिया था वो वापस आ गया। क्यों? क्योंकि आपका और बाबूजी का ज्वाइंट अकाउंट है, इसमें दोनों के साइन होते हैं। आपने बाबूजी के साइन तो लिए ही नहीं। जी, इस पर साइन कर दीजिएगा। आप बाबूजी के साइन के बिना दान भी नहीं कर सकती माँ। दान क्या, मैं तो तेरे बाबूजी के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। पति पत्नी के साथ ऐसा ही होता है बड़ी बहू, एक दूसरे के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते, ये रिश्ता ही ऐसा होता है। शारुकी माँ, चलिए अक्षरा के यहाँ चलते हैं, समधी जी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। क्या बात है बहू,
तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों है? नहीं भाभी माँ, ठीक है। रुगु, आपने टिफिन रखा बैग में? नहीं, वहाँ पे है। मामा, मुझे पोयम लर्न हो गई, सुनाओ। कल सुनी थी ना बेटा। ओके, वैसे पापा, आपने और मम्मा के बीच में झगड़ा हुआ है। क्यों? आप लोग बहुत चुप चुप हो। और मुझे तो लग रहा है बुआ दादी में भी झगड़ा हुआ है। सब लोग चुप चुप से, बुआ दादी, बड़ी दादी, दादाजी और सैड भी है। नहीं नक्ष, कोई सैड नहीं। चलो अब बातें बनाना बंद करो, आप अच्छे से दूध पियो। हाँ, आपको स्ट्रॉन्ग बॉय बनना है ना, स्कूल में फुटबॉल मैच भी है। हाँ, मैं तो भूल ही गया। अच्छा मम्मा, आपने मेरे स्पोर्ट्स शूज रख दिए। आप ठीक तो है? नहीं, ठीक है। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आपको लगता है आप झूठ बोलेंगे और मैं मान जाऊंगा? सब काम छोड़ के आप रेस्ट कीजिए। गिरजा, जेले खिचड़ी राज बनाने खाने से मना कर दिया। जे इंसान दुखी होवेगा, माने भूख भी कैसे लगेगी। चलो नक्ष। बाय मम्मा। हेलो राधे कृष्णा। थारे मायके से फोन था, राज बड़ाने मिलने थारे माँ बाऊजी आवे हैं। उम्मीद है अपनी गलती का एहसास होगा तन्ने, दोबारा ऐसी गलती ना करेगी। के बात है, तबीयत ठीक ना है कि मारी बात पसंद ना आए तन्ने? नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कृष्ण भाई सर, राधे कृष्ण। दिनों से मन कर रहा था समधी जी से आकर मिलने का, तो आज आ ही गए। कहाँ हैं समधी जी, दद्दा जी? मनरू तो सोया है, कावेरी ने बुला दूं। और समधी जी? वाको तो वैसे भी ठीक ना है, परेशान है बहुत। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ आने से उनका मन थोड़ा बहल जाएगा। और आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ बात करके उनकी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। राधे कृष्ण समधी जी। राधे कृष्ण समधी जी, हम नहीं जानते थे कि आप भी किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं। हमारे पास भी कुछ अच्छी सी किताबें रखी हुई हैं, पहले से मालूम होता तो आपके लिए जरूर ले आते। जी वो तो बस वक्त गुजारने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, इसलिए पढ़ता हूँ। अब तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत को क्या हुआ, बिल्कुल ठीक तो है, बल्कि बहुत ही बढ़िया है। क्यों समधी जी? बिल्कुल माफ कीजिए, इस तरह बिना बताए चले आए, लेकिन बहुत दिनों से मन कर रहा था आपसे और दद्दा जी से मिलने का। आज यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा मिलते हुए चले जाए। बड़ा अच्छा किया जो आप मिलने आ गए, उसी बहाने मिलना मिलाना हो जाता है, वरना आजकल तो सभी लोग बहुत व्यस्त है। जी अक्षरा बिटिया, जानती ना आप आए हैं? जी जी, हम मिले उससे। अच्छा अब आप लोग आराम से बैठकर बातें कीजिए, मैं भाभी माँ और बाईसा के पास बैठती हूँ। याद से अभी खा लीजिएगा इसे, चाय पीने के चक्कर में भूल मत जाइएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। कल भी ऐसे ही हुआ था। याद रखिए। राधे कृष्ण
जी आपको विराज। हाँ आइए ना, आप भी विराज। मैं बना दूं बेटा? नहीं माँ, कभी तो मेरे हाथ की भी चाय पी लिया कीजिए। भाव माँ से मिलने आप, वो अपने कमरे में ही है। हाँ मिली, वो भी यही कह रही थी कि आप और बहू बैठकर बातें कीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। बड़ी मुश्किल से उन्हें बिठा कर आई हूँ। क्या ढूंढ रही है माँ? मेवे, सोच रही हूँ दूध में डालकर काट दूँ तेरे लिए, पिएगी तो कुछ ताकत आएगी। चेहरा देख कैसे पीला पड़ गया। मैं ठीक हूँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे तो सिखा मत तू, माँ हूँ तेरी, तेरा चेहरा देख के अच्छी तरह से बता सकती हूँ कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। मैंने कुछ गलत नहीं किया माँ, मैं बस बाबूजी की खुशी चाहती हूँ और माँ भी यही चाहती थी। अगर तू अच्छा सोच रही है होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।